हरे कृष्णा श्री राधे। तो मैं हूँ कनुप्रिया सक्सेना और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे संजीव अभिलाषा व्लॉग्स। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम चैंटिंग कैसे करें, झोली माला के अंदर भगवान का जाप कैसे करें, गुरु मंत्र का जाप कैसे करें। तो जितना मुझे ज्ञान है, जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहीं भी अगर आपको लगे कि ये इसने गलत करा या गलत बोला, तो जहाँ मैं गलत हूँ उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। तो जितना मुझे ज्ञान है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जाप तो करना चाहते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी उनके पास वक्त नहीं है, मतलब वो चाहते तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं है उनके पास। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि अपन हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, हम भोजन के लिए, हम मोबाइल चलाने के लिए, टीवी के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। तो अगर हम दिन की एक माला, 5-6 माला 11 माला नहीं बोलती हूँ, अगर आप दिन की एक माला भी भगवान के लिए कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ना से ना कुछ नहीं करो, उससे बेटर तो ये है कि आप मन में जाप करो, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप मन ही मन में भगवान का नाम जाप करो, जो भी आपका गुरु मंत्र है वो, या फिर भगवान का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी आपका अच्छा है, आपका जो आपके पास है अवेलेबल वो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जाप कैसे करें। ये है मेरी झोली माला जो कि हमारी किशोरी जी बनी हुई हैं, सुंदर सी प्यारी सी राधे बनी हुई हैं। और ये हमारे श्याम, हमारे कन्हैया, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जाप कैसे करें। तो वैसे तो अपनी माला दिखाई ही जाती है जाप वाली, लेकिन आप सभी के साथ शेयर करना है क्योंकि पता नहीं पड़ेगा तो आगे लोग कैसे करेंगे। तो अगर किसी को नहीं पता 1%, तो वो शायद मेरी वीडियो से किसी को पता पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये है मेरी माला, ठीक है, ये है मेरी माला। और इसमें तुलसी की माला है, 108 मोती की माला है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके नियम। अगर आप जाप कर रहे हो ना, तो आप नहा, मतलब ये तो सबको ही पता है कि अगर आप स्नान कर चुके हो तो ही जाप करना। जाप का कोई टाइम नहीं होता है कि अपन को सुबह करना है, दोपहर में करना है, आप जब फ्री हो, जब आपका मन हो, आपका आधी रात में उठ के मन कर जाए ना, तो माला लो और भगवान को याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप वॉशरूम जा चुके हो, यूज़ कर चुके हो, या फिर आपको बस ये एकदम शुद्ध होकर इसको अपन को छूना है, ठीक है, आप अगर वॉशरूम यूज़ कर चुके हो या फिर जो भी कुछ भी हो, आपको अशुद्ध अवस्था में इसको नहीं छूना है, हाँ, इन शॉर्ट में अशुद्ध अवस्था में अपन को इसको नहीं छूना है। तो ये जो हमारा सुमेरु है, ये जो आपको पहला मोती दिख रहा है ना, ये पहला मोती, इसको बोलते हैं सुमेरु। क्या बोलते हैं? सुमेरु। तो माला अपनी यहीं से शुरू होती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके बता रही हूँ मैं आपको। इस पर ये सुमेरु है, तो इस पर हम पहले, इसका अलग से मंत्र होता है जो कि है हरे कृष्ण महामंत्र का ही है, अपन जब करते हैं ना तो इस पर अपन कर सकते हैं वाला। तो मैं बोलती हूँ और स्क्रीन पे आ रहा होगा लिख के, तो आप नोट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादी गौर भक्त वृंदा। ये हमने बोल लिया मंत्र, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट मोती पे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मतलब इसको माला के जब अपन जाप कर रहे हैं ना, तो अपनी ये वाली उंगली और ये उंगली इस पर टच नहीं होगी, है ना। मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ अपनी इन तीन उंगलियों का यूज़ होगा, ये और ये यूज़ में नहीं आएंगे। फिर अब हम आएंगे हमारे सुमेरु का बोल लिया अपन ने, हरे कृष्ण महामंत्र में जो बताया था अभी आपको मैंने, कौन सा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादी गौर भक्त वृंदा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार मंत्र कंप्लीट हुआ एक मोती पे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे मोती, ठीक है। एक मोती पे पूरा एक मंत्र बोलना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे जाओगे। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये अपन ने पूरा, अपन ने यहाँ तक अपन ने कर लिया, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करा। फिर अपन आ गए वापस, अपन ने यहाँ तक अपन ने जाप कर लिया। अब वापस अपन आ गए सुमेरु पे। तो अब अपन क्या करेंगे,
अपन को ऐसे लांगना नहीं है सुमेरु, नहीं अपन को सुमेरु को लांग के आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप दूसरी माला कर रहे हो तो अपन को सुमेरु को लांगना नहीं है, अपन को सिंपल सा यहाँ पे आने के बाद जब कंप्लीट हो जाए तब सुमेरु पे आ जाओ, तब माला को पलट दो, ऐसे पलट दी माला, अब वापस स्टार्ट कर दो, है ना। अपन को सुमेरु से जंप नहीं करना है कि अपन जंप करके यहाँ से अपन ने वापस जंप करा और फिर माला शुरू कर दी, अपन को माला को ऐसे पलट देना है फिर अपन को वापस स्टार्ट करना है। तो बस ऐसी माला होती है, और जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे सुनने में आया है और जितना मैं करती हूँ उतना मैंने आपको बता दिया है। कहीं गलती है तो माफ़ करिएगा, और बस यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भगवान को याद करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, और खूब सारा भगवान का स्नेह प्यार सब सब प्राप्त करो, है ना। और अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि आप सबसे मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन जितनी नॉलेज मैं रख रही हूँ मैंने शेयर करी आप सभी के साथ। तो बस आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे द्वारा अगर कोई भगवान तक पहुँचे, अगर कोई इतना सा भी भगवान को याद करे मेरे द्वारा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सब एक बार कृष्ण को याद करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर अब देखो ये हमारा कलयुग है ना, हमारा द्वापर या सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। इसमें भगवान को अगर पाना है ना तो नाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा, अपन को जाप करना ही पड़ेगा, इसके बिना अपन को भगवान मिल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, वृंदावन जाओ, बिहारी जी के पास जाओ और खूब सारा उनका स्नेह प्यार लेकर आओ, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, उसके लिए सॉरी तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक आप सभी को हरे कृष्णा श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, सभी को हरे कृष्णा श्री राधे हरि बोल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।